everyone, how are you guys doing? I hope you all guys are doing absolutely great. Guys, can you tell me one thing, guys? Is your English week 2? Oh, 4, really? Your English is week 2? Okay. Then, you have no need to worry. If you want to improve your English, then you have to practice. Only then you have to practice. Okay? And I request you to, please, you have to stay in this video till the end. Okay? So, don't delay. Let's get start our topic. And in today's video, we will learn present perfect tense of day 3. Okay? आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में फुल डिटेल के साथ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. ओके, तो इसके लिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना होगा. यदि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो के एंड तक बने रहना होगा. ओके, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं. देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कोई काम वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं. एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ इसको. क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कोई काम वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं. क्लियर? आइए जानते हैं एग्जांपल लेकर के. राधा आम खा चुकी है. राधा हैज ईटन अ मैंगो. देखिए, राधा एक सब्जेक्ट है. ओके, और देखिए राधा क्या खाई है, आम खाई है. तो राधा जो आम खाई है, उस आम खाने वाला जो काम है क्या है, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है. ओके, क्लियर? अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है. ठीक है, तो हर सभी सेंटेंस का अपना अपना पहचान है. तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी पहचान है. देखिए पहचान जान लेते हैं. हिंदी वाक्यों के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है, रहता है, तो हम क्या समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. देखिए, अथवा ए है, या है, ई है, ए है, रहता है. जैसे देखिए खाए है, खाया है, खाई है, खाए है. ठीक है, अथवा आ है, ई है, ए है, रहता है, तो हम क्या समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. यही पहचान है. ठीक है, तो इस पहचान को आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है. उसके बाद ही आप पहचान पाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. क्लियर? अब देखिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका बनावट कैसा होता है, किस आधार पर बनता है. तो देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बी थ्री प्लस सब्जेक्ट. एक चीज आपको हमेशा याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है. डू यू नो वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रही हूँ. वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, 5 रूप होते हैं. ओके, तो आपको वर्ब के जो 5 रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं, उसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है. उसके बाद ही आप टेंस को अच्छे से कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं. ओके, आई होप कि आप इतना कर लेंगे. देखिए सबसे पहले तो हम प्रेजेंट परफेक्ट
सेंटेंस का हम अफर्मेटिव सेंटेंस को जानेंगे, क्योंकि हम एक सेंटेंस से सिक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे और देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका बनावट कैसा होता है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस भी थ्री प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव करना है एंड कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज करना है। देखिए आई वी यू दे और प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस सब्जेक्ट करेंगे, क्लियर। उसके बाद ही सी इट और सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके साथ सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, तो आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, क्लियर। अब लेते हैं एग्जांपल। मैं आम खा चुका हूँ, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई, उसके बाद देखिए आई के साथ हैव का यूज होगा, इसको आपको याद कर लेना है। आई हैव, उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खाना के इंग्लिश क्या होती है ईट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा ईटन। आई हैव ईटन, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है आम, आई हैव ईटन अ मैंगो और लास्ट में फुल स्टॉप। आई हैव ईटन अ मैंगो, मैं आम खा चुका हूँ, क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, राम स्कूल गया है। देखिए हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, या है, चुका हूँ। ओके, सबसे पहले देखिए राम क्या है, सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हैज करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं राम, उसके बाद राम के साथ क्या लगेगा, हैज, राम हैज गया, यानी कि क्या हो जाएगा गॉन, राम हैज गॉन ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, राम हैज गॉन टू स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, तो आई होप कितना तक आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस भी थ्री प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए कौन सी सब्जेक्ट के साथ हैव करना है एंड कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज करना है। तो देखिए आई वी यू दे और प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस भी थ्री प्लस सब्जेक्ट करना है। उसके बाद ही सी इट और सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके साथ सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस भी थ्री प्लस सब्जेक्ट करना है, आपको इसको याद कर लेना है, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने श्याम को नहीं देखा है। तो देखिए मैंने के लिए क्या होती है आई, आई उसके बाद आई के साथ हैव लगेगा आई हैव, उसके बाद नॉट आई हैव नॉट और देखा है मतलब सीन, आई हैव नॉट सीन ऑब्जेक्ट क्या है श्याम को, श्याम और लास्ट में फुल स्टॉप। आई हैव नॉट सीन श्याम, मैंने श्याम को नहीं देखा है, क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल,
उसने मेरी मदद नहीं की है। तो देखिए उसने की इंग्लिश क्या होती है? ही। तो ही और ही के साथ हैज का यूज होगा, ही हैज। उसके बाद नॉट का यूज होगा क्योंकि हमें हैव और हैज के बाद ही नॉट लगाना है। ही हैज नॉट, देखिए उसके बाद मदद की इंग्लिश क्या होती है? हेल्प। तो हेल्प की वर्ड की थर्ड फॉर्म में क्या होती है? हेल्प्ड। ही हैज नॉट हेल्प्ड हेल्प्ड मेरी। क्या है? ऑब्जेक्ट है तो मी हो जाएगा लास्ट में। ही हैज नॉट हेल्प्ड मी और लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर। इसके बाद हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके देखिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। इसको आपको याद रख लेना है। ओके उसके बाद देखिए कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज करना। तो देखिए आई वी यू दे और प्लुरल नाउन है तो उसके साथ क्या करना है? हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क करना है। क्लियर। एंड ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या करना है? हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क करना है। क्लियर। आइए जानते हैं एग्जाम्पल लेकर के। और एक बात मैं बता दे रही हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा क्या से शुरू होता है। देखिए क्या से शुरू होता है, देखिए। क्लियर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब हाँ या ना में आता है। ओके उसी को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देखिए क्या तुमने राज को पीटा है? तो तुमने की इंग्लिश क्या होगी? यू। तो यू के साथ क्या लगेगी? है। तो हैव शुरू में आ जाएगा। हैव यू उसके बाद वी थ्री हैव यू। पीटना का इंग्लिश क्या होती है? बीट। तो बीटन हो जाएगा। हैव यू बीटन एंड ऑब्जेक्ट क्या है? राज को। हैव यू बीटन राज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीटन राज? क्या तुमने राज को पीटा है? सेकेंड एग्जाम्पल क्या आपका भाई आया है? तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? आपका भाई। ये सिंगुलर नाउन है ठीक है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज होगा। क्लियर। तो हैज शुरू में आ जाएगा। हैज योर ब्रदर आया की इंग्लिश क्या होता है? कम। तो कम की वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या होती है? कम ही होता है। हैज योर ब्रदर कम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आपका भाई आया है? हैज योर ब्रदर कम। क्लियर। अब चलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव करना है एंड कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज करना है। तो आई वी यू दे और प्लुरल नाउन के साथ क्या करेंगे? हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क करेंगे। उसके बाद ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या करेंगे? हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है आई एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आपने नहीं खाया है? तो आपने की इंग्लिश क्या होगी? यू। यू के साथ क्या होगा? हैव का यूज होगा। तो हैव यू उसके बाद नॉट हैव यू नॉट खाया है क्या हो जाएगा? ईटन। हैव यू नॉट ईटन और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क। देखिए, क्या आपने नहीं खाया है? Have you not eaten? क्लियर। उसके बाद देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, क्या श्याम स्कूल नहीं गया है? तो देखिए, श्याम क्या है? एक सिंगुलर नाम है और सिंगुलर नाम के साथ हैज का यूज होगा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा? हैज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? श्याम। हैज श्याम। उसके बाद नॉट, हैज श्याम नॉट गया है, तो क्या हो जाएगा? गॉन। गॉन टू। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, हैज श्याम नॉट गॉन टू स्कूल, क्या श्याम स्कूल नहीं गया है? ओके, आई होप कि आपको इतना तक सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चलते हैं डब्ल्यूएस वर्ब क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब डब्ल्यूएस वर्ड क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बनावट कैसा होता है। देखिए, सबसे पहले तो डब्ल्यूएस वर्ड, उसके बाद प्लस हैव, हैज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बी थ्री, प्लस सब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब देखिए, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज करना है। तो आई, वी, यू, दे और पुलर नाउन के साथ क्या करना है? डब्ल्यूएस वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क करना है। क्लियर। एंड ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या करना है? डब्ल्यूएस वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये स्ट्रक्चर को याद कर लेना है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। श्याम कहाँ गया है? देखिए, सबसे पहले तो देखिए डब्ल्यूएस वर्ड लेना है, तो इसमें डब्ल्यूएस वर्ड क्या है? कहाँ। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। वेयर, उसके बाद क्या करना है? देखिए, श्याम सब्जेक्ट है तो श्याम एक सिंगुलर नाम है, तो सिंगुलर नाम के साथ क्या होगा? हैज का यूज होगा। वेयर हैज एंड उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है? श्याम। वेयर हैज श्याम। गया है, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या होगी? गॉन। वेयर हैज श्याम गॉन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। देखिए, वेयर हैज श्याम गॉन, श्याम कहाँ गया है? ओके, क्लियर। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, श्याम ने तुमको क्यों पीटा है? तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? श्याम है। तो देखिए, श्याम एक सिंगुलर नाम है, उसके साथ भी क्या होगा? हैज का यूज होगा। क्या हो जाएगा? देखिए, पर तो डब्ल्यूएस वर्ड लेना है, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? व्हाई। व्हाई, उसके बाद हैज। व्हाई हैज श्याम उसकी बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म क्या है? पीटा है। तो बीट मीन्स क्या होता है? पीटना। तो बीट का वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगी? बीटेन। Why has Sam beaten? ऑब्जेक्ट क्या है? तुमको। यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। देखिए, Why has Sam beaten you? श्याम ने तुमको क्यों पीटा है? क्लियर। अब चलते हैं डब्ल्यूएस वर्ड नेगेटिव क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब डब्ल्यूएस वर्ड नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका बनावट कैसा होता है। तो देखिए, स्ट्रक्चर डब्ल्यूएस वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर, ये स्ट्रक्चर हो गया। आपको इसको याद कर लेना है।
अब देखिए कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज करना है। आई विल, यू, दे और प्लुरल नाउन रहेगा तो उसके साथ देखिए डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क करना है। एंड ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ देखिए डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क करना है। तो इस स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। क्लियर? अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ। देखिए बच्चे क्यों नहीं सोए हैं, तो देखिए सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लेंगे तो इसमें डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। व्हाई उसके बाद देखिए बच्चे हैं, प्लुरल नाउन है तो प्लुरल नाउन के साथ हैव का यूज होगा, ठीक है। व्हाई हैव, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लेना है क्या है, बच्चे। व्हाई हैव द चिल्ड्रेन उसके बाद देखिए क्या करना है, नॉट लगाना है, नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सोना, सोए है तो सोना का इंग्लिश क्या होता है, स्लीप। तो स्लीप का वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगी, स्लेप्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाई हैव द चिल्ड्रेन नॉट स्लेप्ट, बच्चे क्यों नहीं सोए हैं। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, तुमने क्या नहीं किया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड ले लेंगे तो क्या इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। उसके बाद तुमने, तो यू होता है तो यू के साथ भी क्या होता है, हैव का यूज होता है, व्हाट हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, व्हाट हैव यू। उसके बाद नॉट, उसके बाद किया है क्या हो जाएगा, डन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तुमने क्या नहीं किया है, व्हाट हैव यू नॉट डन। देखिए आप यहाँ पे देखिए हैव हैज के बाद भी आप नॉट लगा सकते हैं, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हैव हैज के बाद भी आप नॉट लगा सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आपको बनाना हो रहेगा तो आप हैव हैज के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, या तो आप सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है। क्लियर? आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।